दोस्तों, मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने के साथ साथ हमारी स्किन की जो ज़रूरतें होती हैं वो भी बदलती हैं। और जब हमारी स्किन की ज़रूरतें बदलती हैं और हम उसके हिसाब से अपने कॉस्मेटिक्स में बदलाव नहीं लेकर आते हैं या जो प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं उनको चेंज नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से जो पहले प्रोडक्ट्स हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं वो अब वो काम करना बंद कर देते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से अब हमें साइड इफ़ेक्ट्स या फिर अलग अलग तरह के जो दूसरे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे ही मौसम में बदलाव आए, आपको अपने रूटीन के अंदर, आपको अपने कॉस्मेटिक्स के अंदर, आपको अपने खान पान के अंदर, कपड़ों के अंदर और पूरी दिनचर्या के अंदर आपको चेंजेस ज़रूर लाने चाहिए। इसी तरह के इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक DIY मॉइस्चराइज़र के बारे में, जिसे आप एक मॉइस्चराइज़र की तरह तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो एक मसाज क्रीम की तरह भी। तो दिन में जब आपको लगे कि स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस है, रूखापन है, तो आप इसे मॉइस्चराइज़र की तरह लगा लीजिए। और अगर आपको लगे कि नहीं, दिन भर मेरी स्किन बिल्कुल ठीक रहती है, अगले दिन के लिए मुझे अपनी स्किन को ठीक करना है, तो आप इसे आधा चम्मच लेकर रात को सोने से पहले चेहरे पर मसाज कीजिएगा और मसाज करने के बाद में आप इसे वॉश करके सो जाइएगा, तो आपको अगले दिन आपकी स्किन बहुत अच्छे से परफेक्ट फॉर्म में मिलने वाली है। अब इसे बनाना कैसे है, तो इसे बनाने के लिए हमें 6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होने वाली है। नंबर 1, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंग्रेडिएंट है, और वो है शहद। शहद जो है उसके अंदर नेचुरल ह्यूमक्टेंट्स होते हैं। ह्यूमक्टेंट्स क्या होते हैं? ह्यूमक्टेंट्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारी स्किन की ड्राइनेस को कम करते हैं, क्योंकि वो हवा के अंदर जितना मॉइस्चर होता है उसे हमारी स्किन को सप्लाई करने का काम करते हैं। तो 4 चम्मच के आसपास आपको यहाँ पे शहद ले लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप शहद ले रहे हो वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा नेचुरल, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक आप शहद लोगे वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मैं कोशिश करूँगा कि अमेज़ॉन से परचेस करने का एक लिंक आपको दे दूँ, जहाँ से जाकर के आप इसे ईजिली ट्राई कर पाओगे। नंबर 2 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल, ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको ये चेक कर लेना है कि क्या आपकी स्किन जो प्लांट बेस्ड जो आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हो, मतलब कि जो आपके घर में जो पेड़ में लगा हुआ जो एलोवेरा जेल यूज़ करते हो, उससे एलर्जिक तो नहीं है। अगर आपकी स्किन एलर्जिक है, आपकी स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, दाने आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर आपको 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल परचेज करना है, जिसे परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जितना आपने यहाँ पर शहद लिया है उतना ही आपको एलोवेरा जेल यहाँ पर ऐड करना है, मतलब 4 चम्मच। तीसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है वो है स्वीट आमंड ऑयल। स्वीट आमंड ऑयल या फिर रोगन बादाम शीरीन भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ये 2 क्वांटिटीज आपको डालनी है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, तो आप 1 चम्मच डालोगे, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी स्किन ऑयली है, उस पर एक्ने आने के चांसेस होते हैं, तो आप 1/2 चम्मच डालोगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन है ही एक्ने वाली, जिस पे अभी प्रेजेंट में भी एक्ने हैं, तो आप इस ऑयल को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। तो ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रख से समझ लेना कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, बिल्कुल उसी हिसाब से आप स्वीट आमंड ऑयल या रोगन बादाम श्रीना ऐड करोगे। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है यहाँ पर आपका हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हिबिस्कस फ्लावर पाउडर जो है वो आपको सिर्फ यहाँ पर 1/2 चम्मच डालना है। 1/2 चम्मच इसलिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स जो इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को हाइपर एक्टिव बनाने में हमारी मदद करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो मॉइस्चराइज़र है तो लाल तो नहीं दिखाई देगा हमारा चेहरा? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो आप क्वांटिटी आप डाल रहे हो ना 1/2 चम्मच, ये सिर्फ आप डाल रहे हो इसके अंदर जो एक्टिव्स आप दूसरे ऐड कर रहे हो उनको सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए। अदरवाइज़ ये आपके क्रीम को या आपकी स्किन को किसी भी तरह से रेडनेस नहीं देने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
नंबर फाइव जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे हर एक कॉस्मेटिक के अंदर होता है। मैक्सिमम जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, सब में ग्लिसरीन डाला जाता है और उसका पर्पस ये होता है क्योंकि ये हमारी स्किन को, हमारे बालों को डिहाइड्रेटेड होने से रोकता है। तो लगभग 2 चम्मच के आसपास हम यहाँ पे ग्लिसरीन ऐड करने वाले हैं। नंबर 6 और नंबर लास्ट अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूं तो वो आपको पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में पीएच डिस्टर्ब रहता है, अब पीएच डिस्टर्ब रहता है कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन को छूने पर आपको गर्म फील होता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन से हीट निकलती है, तो उस कंडीशन में आपको इस रोज़ वाटर को ऐड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करेगा। अगर आपको आपकी स्किन छूने पर गर्म नहीं फील होती है, ठंडी फील होती है, चिल्ड फील होती है, तो उस कंडीशन में आप रोज़ वाटर ऐड नहीं करोगे। रोज़ वाटर कितना ऐड करना है? 2 चम्मच। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब आपका एक मॉइस्चराइज़र कम मसाज क्रीम बनकर के तैयार है। इसे आप एक कांच के बर्तन के अंदर या कांच की डिब्बी या प्लास्टिक की डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए रेफ्रिजरेटर के अंदर। 15 दिन के लिए ये आपको ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छे से काम करके देगी। रेफ्रिजरेटर में ही रखना है, ये याद रखना है, क्योंकि इसमें जो शहद है वो अगर बाहर रखोगे तो स्मेल देने लगेगा, जिसकी वजह से आपको क्रीम लगाने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेक श्योर इसे रेफ्रिजरेटर में रखें, लेकिन फ्रीज़र में ना रखें। ऊपर वाला हिस्सा होता है ना फ्रिज का, उसमें नहीं रखना है। डोर जो होता है हमारा, जिसमें हम पानी रखते हैं, सब्जियाँ रखते हैं, वहाँ आप रखें, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आप इसे रोज़ तो आप लगा ही सकते हो एज ए मॉइस्चराइज़र की तरह, लेकिन अगर आपको इसे मसाज क्रीम की तरह इस्तेमाल करना है तो रोज़ रात को सोने से पहले चेहरे को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद चेहरे पर आप इसे लगाइए, 5 से 10 मिनट मसाज दीजिए, साफ़ कर दीजिए, या फिर आप इसे लगा रहने दीजिए और सो जाइए। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन आपको बहुत सारा थैंक यू बोलने वाली है, क्योंकि आपने आपकी स्किन को वो सब कुछ दे दिया है जिसकी बेसिकली आपकी स्किन को ज़रूरत थी। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके इन फीडबैक से और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।